ओके स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। सो मोलर कंडक्टिविटी की डेफिनेशन हमने ऑलरेडी की है लास्ट क्लास में, जिसमें क्या बताया था मोलर कंडक्टिविटी की डेफिनेशन अगर हमें लिखनी हो, इट इज द कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड when one mole of the electrolyte is dissolved in V milliliter of solution, the distance between electrode is 1 centimeter and their area of cross section is enough to occupy or accommodate all the ions produced. तो इन सिंपल टर्म्स अगर हम बताने चाहें कि जब हम किसी इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोल सब्सटेंस इसमें डिजोल्व करते हैं, जैसे सोडियम का डिजोल्व करोगे तो उससे 2 मोल आयन बनेंगे, अगर आप कैल्शियम क्लोराइड को डिजोल्व करते हैं 1 मोल को तो उससे आपके पास टोटल 3 मोल बनेंगे, किसके 2 मोल क्लोराइड के 1 मोल कैल्शियम आयन का। अगर आपके पास मान लो गैलियम क्लोराइड है या एल्यूमिनियम क्लोराइड है और डिजोल्व होता है तो आपके पास 4 मोल बन जाएंगे उसमें आपके पास आयन्स के। तो ऑल द आयंस जो प्रोड्यूस होते हैं बाय डिजॉल्विंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्यूशन और उसमें इलेक्ट्रोड के बीच डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर फिक्स्ड है और उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन शुड बी जस्ट इनफ टू अकोमोडेट ऑल द आयंस प्रोड्यूस, देन इट इज कॉल्ड लैम्डा एम। साथ में हमने देखा था कि लैम्डा एम के ऊपर डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ता है, कि मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करती जाती है डाइल्यूशन करने पर, वॉल्यूम बढ़ने पर। आज हमने देखना है कि स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट कैसे बिहेव करते हैं जब हम उनकी मोलर कंडक्टिविटी को कंपेयर करते हैं विद कंसंट्रेशन, कंसंट्रेट चेंज करने पर कैसे उनकी मोलर कंडक्टिविटी वेरी करती है। इस टॉपिक को करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है। तो इलेक्ट्रोलाइट कोई भी वो सब्सटेंस होता है जिसको जब हम वाटर में या किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने पर उसमें से आयंस प्रोड्यूस हों और वो आयंस क्या करते हैं सॉल्यूशन को कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बना देते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इसलिए इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन करते हैं आयंस के फॉर्म में। सो सच सब्सटेंसेस और विच प्रोड्यूस आयंस ऑन डिजॉल्विंग और इन देयर सॉल्यूशंस एंड मेक द सॉल्यूशन कंडक्टिंग इन नेचर आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट क्या है और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है, सो मोस्ट ऑफ यू नो दिस कि जो इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिजॉल्व होता है इन सॉल्वेंट एंड डिसोसिएट करके आयन प्रोड्यूस करता है उसे हम बोलते हैं स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। अगर हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करें तो 100% डिसोसिएशन होती है, मींस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो कि रेशियो होती है नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स एडेड, वो यहाँ 1 आएगी। मींस अगर आप 100 मोल्स डालते हैं, 100 पार्टिकल डालते हैं तो 100 के 100 पार्टिकल डिसोसिएट हो रहे हैं तो रेशियो क्या आ जाएगी 100/100 दैट इज 1। तो कहने का मतलब है कि स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट जिनमें ऑलमोस्ट कंप्लीट आयनाइजेशन होती है उनकी आयनाइजेशन रिएक्शन को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि सारे के सारे सोडियम आयन सोडियम क्लोराइड जो है वो डिसोसिएट होकर सोडियम आयन और क्लोराइड आयन आता है। इसके अपोजिट वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, दे आर ऑल्सो इलेक्ट्रोलाइट, मीन्स जब हम उनको एक्वस मीडियम में ऐड करते हैं, मिक्स करते हैं, डिजोल्व करते हैं, दे ऑल्सो स्प्लिट अप और अंडरगो हाइड्रोलिसिस टू प्रोड्यूस आयंस, जैसे यहाँ एग्जाम्पल हम ले रहे हैं एसिटिक एसिड का। तो यहाँ पर एसिटिक एसिड को भी पानी में डालने पर ये डिजोल्व करके एसिटेट आयन और हाइड्रोजन आयन देता है, बट जनरली रूम टेम्परेचर पर अगर हम नॉर्मल 1 मोल कंसेंट्रेशन लें तो सिर्फ 5% जो है एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड डिसोसिएट करता है। उसके बाद क्या होता है, एक्वस मीडियम में ये जो एसिटेट आयन और हाइड्रोजन आयन है ये आपस में ज्वाइन करके वापस एसोसिएट कर जाते हैं और फिर से क्या बन जाता है सॉल्ट, मींस एक इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है।
तो आप जब इसमें वीक इलेक्ट्रोलाइट को सॉल्यूशन में डालते हैं, सो इट नेवर अंडरगोज कंप्लीट डिसोसिएशन, इट अंडरगोज पार्शियल डिसोसिएशन ओनली, दे डिसोसिएट पार्टली। सो इसे बोलते हैं पार्शियल डिसोसिएशन होता है। जब भी पार्शियल डिसोसिएशन होगा तो एक इक्विलिब्रियम होगा दो चीजों के बीच, एक है अनआयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ द सब्सटेंस और दूसरी है आयोनाइज्ड फॉर्म। तो फॉरवर्ड में आयोनाइजेशन हो रहा है, रिवर्स में एसोसिएशन, दोनों प्रोसेस में इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है। तो हमें कई सारे एग्जांपल्स होते हैं इनके, और सभी के एग्जांपल का हमें पता होना चाहिए। NaCl की तरह ऐसे ही हमारे पास एसिड जो है स्ट्रॉन्ग एसिड, HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, नाइट्रिक एसिड है, अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट है, कैल्शियम क्लोराइड सॉल्ट है, आपके पास सोडियम सल्फेट है Na2SO4, बेरियम क्लोराइड है। ऐसे आपके पास बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट हैं जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की कैटेगरी में आते हैं। सिमिलरली पोटाशियम क्लोराइड है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, पोटाशियम जो आपके पास नाइट्रेट है, दीज आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विच डिसोसिएट कम्प्लीटली। वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें हम, एसिटिक एसिड हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड वीक इलेक्ट्रोलाइट है, फिर आपके पास बेरियम सल्फेट है, लेड सल्फेट है। ये हमारे पास कौन सी कैटेगरी में आते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट में, जो कंप्लीटली डिसोसिएट ना करें, तो उनको हम बोल देते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो इनका हमें पता होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट थिंग आती है कि इनका जब आयोनाइजेशन होता है तो हमारे पास जब इक्विलिब्रियम अटेन होते हैं, इस केस में तो इक्विलिब्रियम अटेन नहीं होता है, तो हम डाइल्यूशन करते हैं, तो क्या चेंज आता है वो भी हमें देखना है। हमने ऑलरेडी किया था डाइल्यूशन का इफेक्ट ऑन मोलर कंडक्टिविटी, कि मोलर कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू दी योर डाइल्यूशन। क्यों? क्योंकि हम इक्वेशन लिखते थे लैम्डा एम इज इक्वल टू के टाइम्स 1000 डिवाइडेड बाय सी, कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कंसंट्रेशन कम तो मीन्स मोलर कंडक्टिविटी ज़्यादा। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि जो आपके पास डाइल्यूशन ज़्यादा होगी, कंसंट्रेशन कम होगी, तो लैम्डा एम बढ़ेगा, तो कंसंट्रेशन के इनवर्सली और डाइल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोलर कंडक्टिविटी। नाउ क्यों होता है डाइल्यूशन के? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की अगर हम बात करें, तो एक जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है आपके पास, जब आप इसको डिसोसिएट करते हैं, तो ये मान लो हमने NaCl का एग्जाम्पल लिया, तो ये डिसोसिएट करता है कम्प्लीटली, थोड़ा से इसमें सॉल्यूशन में भी कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाती है इसकी। अब उसके बाद क्या होगा, अगर हम फर्दर इसमें डालते हैं एक सॉल्वेंट, मीन्स डाइल्यूट करते हैं, वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं, तो आयंस का नंबर तो ऑलमोस्ट उतना रहता है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा नंबर को, क्योंकि पहले से ही वो 100% डिसोसिएशन हो रहा है। फर्क पड़ता है उनके बीच डिस्टेंस की। जब आपके पास सेम नंबर ऑफ आयन अब ज़्यादा वॉल्यूम में होगा, तो उनमें डिस्टेंस ज़्यादा होती है। तो कहने का मतलब है, जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, तो उसमें नंबर ऑफ आयन उतने ही रहते हैं, जब कंसंट्रेशन कम होती है नंबर ऑफ आयन तब भी उतने ही रहते हैं, आयोनाइजेशन पे उतना फर्क नहीं पड़ता है, बट फर्क पड़ता है डिस्टेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायंस, क्योंकि सेम नंबर ऑफ आयन जब ज़्यादा वॉल्यूम में होगा, तो उनमें डिस्टेंस ज़्यादा होती है। तो कहने का मतलब, डाइल्यूशन के साथ यहाँ पर आयोनिक इंट्रैक्शंस जो होती हैं, आयन अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होती हैं, वो कम हो जाती हैं, आयनिक इंट्रैक्शंस डिक्रीज करती हैं, और आयनिक इंट्रैक्शन डिक्रीज करने की वजह से आयन की मूवमेंट फास्ट होती है और लैम्डा एम इंक्रीज करता है। बट जो हमारे पास ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल किसका है? वीक इलेक्ट्रोलाइट का। वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है कि इक्विलिब्रियम अटेन कर जाता है आफ्टर सम टाइम, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया। तो ली शैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एट दिस कंडीशन, जब इक्विलिब्रियम अटेन हो गया है किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट की आयनाइजेशन और एसोसिएशन प्रोसेस में, अगर हम उसमें डाइल्यूट करते हैं
मीन्स और सॉल्वेंट ऐड करते हैं, देन इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि आप कंसंट्रेशन को कम बढ़ा रहे हैं, आयन की कंसंट्रेशन कम हो रही है, तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड होगा जाकि और आयन बने और इक्विलिब्रियम फिर से अटेन हो। ये हमारा ली शैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है। तो कहने का मतलब है जब आप इसको डाइल्यूट करते जाते हैं जैसे जैसे, तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में शिफ्ट करने से नंबर ऑफ आयन्स भी इंक्रीज करता है, और नंबर ऑफ आयन इंक्रीज करने से क्या होगा, लैम्डा एम आल्सो विल इंक्रीज, क्योंकि हमें पूरा का पूरा वॉल्यूम अकोमोडेट करना है। तो जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ता जाएगा नंबर ऑफ आयन भी बढ़ेगा, आयनिक इंट्रैक्शन कम होगी, और इस वजह से क्या होगा, आपका जो है लैम्डा एम भी इंक्रीज करेगा। अब हम इसको देखेंगे ग्राफिकली। तो जो हमारे पास एक स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट हो और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट, उनके लिए अगर हम एक ग्राफ बनाएं यहाँ पर, तो हम क्या देखते हैं उस ग्राफ में कि जो आपके पास स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कंसंट्रेशन हम यहाँ से मान के चलते हैं कि ये KCl का एग्जांपल जैसे आपकी बुक में दिया हुआ है। तो पोटेशियम क्लोराइड एक स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है, तो जनरली इसकी जो हाई कंसंट्रेशन होगी, यहाँ पर अगर हम देखें तो स्क्वेयर रूट ऑफ कंसंट्रेशन, अगर कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो स्क्वेयर रूट की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो स्क्वेयर रूट ऑफ द कंसंट्रेशन हमने इस तरफ को लिया हुआ है, कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रही है। तो जब कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा थी, मीन्स वॉल्यूम कम था आपका सॉल्यूशन का, सॉल्वेंट कम था, तो भी ये कम्प्लीटली डिसोसिएट कर रहा था। जैसे जैसे आप इसकी कंसंट्रेशन को कम कर रहे हैं, तो हम इसको बैक साइड में जा रहे हैं यहाँ पे इस ग्राफ में, कंसंट्रेशन डिक्रीज करने से आयनिक इंट्रैक्शन कम हो रही हैं और थोड़ा बहुत आयनाइजेशन बढ़ती है, और कंप्लीट आयनाइजेशन अगर नहीं भी हुई तो वो भी कंप्लीट हो जाती है, और इस तरह से हमारे पास लैम्डा एम की वैल्यू बढ़ती जा रही है, बट ये इंक्रीज उतना ज़्यादा नहीं है। वंस अगेन हम पोटाशियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन को कम कर रहे हैं, उसका स्क्वेयर रूट ऑफ द कंसंट्रेशन हम यहाँ ले रहे हैं। जैसे जैसे कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रही है, लैम्डा एम इज इंक्रीजिंग स्लोली। तो इतना स्लोली क्यों इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि पोटाशियम क्लोराइड एक स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट ऑलरेडी अंडरगो कम्प्लीट आयोनाइजेशन, सो ऑन डाइल्यूशन देयर आयोनाइजेशन डू नॉट इंक्रीजेज मच। थोड़ा बहुत जो इंक्रीज आता है लैम्डा में, दैट इज ड्यू टू डिक्रीज इन द आयनिक इंट्रैक्शंस बिटवीन आयंस। सो बट इसके कंपैरिजन में अगर हम लें यहाँ पर ग्राफ फॉर एसिटिक एसिड, तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो हायर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन का मतलब क्या हुआ, जब उनमें सॉल्वेंट कम है तो उनकी डिसोसिएशन कम होती है, और डिसोसिएशन कम होगी तो नंबर ऑफ आयन कम होगा, और अगर नंबर ऑफ आयन भी कम है देन इट मींस उनका लैम्डा एम जो वैल्यू है वो बहुत कम होती है। तो मोलर कंडक्टिविटी हायर कंसंट्रेशन पर कम होती है। फिर हम इसकी डाइल्यूशन करते हैं, कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाती है, कंसंट्रेशन के डिक्रीज होने से व्हाट हैपेंस, दिस कंसंट्रेशन एज इट डिक्रीजेस द लैम्डा एफ वैल्यू इंक्रीजेस, बट देयर इज अ डिफरेंट चेंज विज फाउंड व्हेन द कंसंट्रेशन अप्रोचेस जीरो, मींस कंसंट्रेशन बिकम्स वेरी लेस। तो ये जो इंक्रीज हो रहा है वो दो फैक्टर से हो रहा है यहाँ पर। कौन से दो फैक्टर हैं, एक तो आयनाइजेशन इनका बढ़ता है, नंबर ऑफ आयन बढ़ रहा है, दूसरा आयनिक इंट्रैक्शन कम होता है। जैसे ही ये डाइल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, कंसंट्रेशन की वैल्यू बहुत कम हो जाती है, देयर इज ए स्टीप कर्व, स्टीप कर्व मीन्स बहुत ही एकदम वर्टिकल होने की तरफ को कर्व बढ़ जाता है, लैम्डा एम की वैल्यू सडनली राइज करना शुरू कर जाती है, बिकॉज जब डाइल्यूशन बहुत ज़्यादा होगी। कहने का मतलब है जैसे मान लो एक मोल नमक जो होगा वो 58.5 ग्राम होगा, आपने इसको 100 ml में डाला है, नमकीन ज़्यादा होगा, फिर आप 200 ml करते गए सॉल्टनेस कम होती जाएगी, 500 ml 1000 ml करते जा रहे हैं सॉल्टनेस कम होती जा रही है। कारण क्या है, उसमें जो आपका कंसंट्रेशन ऑफ आयन डिक्रीज कर रहा है, तो कंसंट्रेशन कम कर रहे हैं,
तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उसमें हमने क्या देखा कि आयनाइजेशन बढ़ती जाती है, बट जब ये ऑलमोस्ट जीरो के पास पहुंच जाता है तो ये जो इंक्रीज आता है लैम्डा एम की वैल्यू में वो इतना ज़्यादा आ जाता है, द ग्राफ बिकम्स ऑलमोस्ट पैरेलल टू दी वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के ऑलमोस्ट ये पैरेलल हो जाता है। सो दोनों को ग्राफिकली डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। एक स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट का जो है लैम्डा एम अगेंस्ट स्क्वेयर रूट ऑफ सी स्लोली इंक्रीज करता है, क्योंकि यहाँ पर पहले ही आयनाइजेशन कंप्लीट होती है, नंबर ऑफ आयन ऑलरेडी पहले ही मैक्सिमम के पास होता है। बट जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उनका डिसोसिएशन, जब कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो डिसोसिएशन कम होता है, लैम्डा एम भी कम होगा, बट एज दिस डाइल्यूशन इंक्रीजेज, सॉल्वेंट ऐड करते हैं, व्हेन द डाइल्यूशन बिकम्स ऑलमोस्ट जीरो द वैल्यू ऑफ लैम्डा बिकम्स वेरी लार्ज। बट ये जो जीरो वैल्यू होने का मतलब है कि आपने 1 मोल सॉल्ट को, 1 मोल एसिटिक एसिड को 1000 लीटर में डिजोल्व कर रखा हो, 1 लाख लीटर में, जो मीन्स डाइल्यूशन ऑलमोस्ट जीरो पर मोल पर लीटर के पास है, तो उस कंडीशन में आयनाइजेशन बहुत लार्ज होगा, आयन्स के बीच डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगी, आयनिक इंट्रैक्शंस जीरो के पास होंगी। इन दैट कंडीशन देर इज डिफरेंट बिहेवियर ऑफ ए स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट एंड ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। नाउ हियर वी आर गोइंग टू हैव अ न्यू टर्म। पहले तो आपको डिफरेंस समझ आ गया दोनों के बिहेवियर में कि फॉर स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज इन लैम्डा एम विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन इज नॉट वेरी मच सिग्निफिकेंट, बिकॉज ये हमें ऑलरेडी हायर कंसंट्रेशन में भी कंप्लीट आयनाइजेशन होती है, नंबर ऑफ आयन काफी होता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए इसके अपोजिट है, एट हायर कंसंट्रेशन द वैल्यू ऑफ लैम्डा एम इज वेरी लो, बट एज द कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन अप्रोचेस जीरो वैल्यू द वैल्यू ऑफ लैम्डा एम बिकम्स वेरी वेरी हाई। सो यहां से हमारे पास एक और टर्म आ रही है नई, दैट इज लैम्डा एम नॉट। लैम्डा एम नॉट क्या है, इसे बोलेंगे हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लैम्डा एम है मोलर कंडक्टिविटी, लैम्डा एम नॉट, नॉट मीन्स जीरो, मीन्स कंसंट्रेशन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एट ऑलमोस्ट जीरो कंसंट्रेशन। तो अगर हम जीरो कंसंट्रेशन मतलब क्या हुआ कि सॉल्यूट इज वेरी लिटिल एज कम्पेयर टू द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। जब सॉल्वेंट हमारे पास अब 1 मोल डालना है तो 1 मोल के लिए जीरो कंसंट्रेशन लाने के लिए हमें वॉल्यूम बहुत ज्यादा लेना पड़ेगा, हजारों लीटर में डालेंगे तब जाके होगा कि 1 लीटर में ऑलमोस्ट जीरो जो है कंसंट्रेशन हो। तो उस कंडीशन में आपके पास मोलर कंडक्टिविटी में ये भी कंडीशन होती है कि ऑल दी आयन्स शुड बी इन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, तो हमें इलेक्ट्रोड्स बहुत बड़े लेने पड़ेंगे। तो हम एक्सपेरिमेंटली जब करते हैं तो जो कि स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनके लिए ग्राफ लाइन ऑलमोस्ट स्ट्रेट होती है, तो उसको हम एक्स्ट्रा प्लॉट करते हैं और जहां इंटरसेक्ट करेगा वो वैल्यू आ जाएगी लैम्डा एम नॉट। अब कंडीशन क्या है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कि इनके लिए लाइन ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाती है, तो इट विल नेवर इंटरसेक्ट। तो लैम्डा एम नॉट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट फाइंड आउट करना एक्सपेरिमेंटली ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। सो यहाँ से एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर लैम्डा एम नॉट, जिसे बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, मीन्स मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। सो व्हाट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज द कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या हुआ, व्हेन द कंसंट्रेशन अप्रोचेस ऑलमोस्ट जीरो। हम एक स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के लिए एक्सपेरिमेंटली लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मेजर कर सकते हैं। हम कुछ मिलीलीटर के लिए इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं अलग अलग कंसंट्रेशन को काम करते करते, ग्राफ लाइन क्योंकि हमेशा ऑलमोस्ट इतना ये नहीं होती आपके पास वर्टिकल, थोड़ा सा स्लैंटिंग होती है हल्की सी, इसको हम एक्स्ट्रा प्लॉट करें तो जहां इंटरसेक्ट करता है वो आपके पास बन जाती है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। बट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट देर आर टू रीजंस व्हाई वी कैन नॉट मेजर इट। फर्स्टली वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट वेरी लिटिल, सो एट जीरो
इनफाइनाइट डाइल्यूशन वी रिक्वायर वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ वॉल्यूम, और लार्ज अमाउंट ऑफ वॉल्यूम को प्लेस करना बिटवीन द इलेक्ट्रोलाइट्स इज वेरी वेरी डिफिकल्ट. सो इनके लिए हमें मेजर करना डिफिकल्ट होगा, क्योंकि इतना बड़ा इलेक्ट्रोलिटिक सेल यूज करना पड़ेगा जिसमें हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ लीटर जो है वॉल्यूम आ सके. दूसरा, अगर हम एक्सपेरिमेंटली करने की कोशिश भी करें, दो जो लाइन है ग्राफ लाइन मींस द लाइन चेंज इन लैम्डा एम बिकम्स ऑलमोस्ट वर्टिकल टू द वाई एक्सिस व्हिच विल नेवर इंटरसेक्ट द इट विल नॉट इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस. तो ये दो रीजन देने हैं. फर्स्ट रीजन, टू मेजर द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रॉन वी रिक्वायर वेरी लार्ज वॉल्यूम which are difficult to place between the electrolytes to get the value of lambda m naught. Second, the graph line for lambda m of weak electrolyte approximately at zero concentration becomes almost parallel to y-axis which will do not intersect on y-axis when we extrapolate it. तो ये दो रीजन लिखने पड़ते हैं हमें कि वाई इट इज डिफिकल्ट टू मेजर द लैम्डा एम नॉट वैल्यू ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट. अगर आपसे पूछे हाउ वी मेजर लैम्डा एम नॉट ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वी मेजर इट फॉर सम वैल्यूज ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन व्हेन वी प्लॉट द ग्राफ एंड व्हेन इट वी एक्स्ट्रा प्लॉट दिस ग्राफ लाइन वेयर एवर इट इंटरसेक्ट ऑन वाई एक्सिस दैट गिव्स द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी. तो वंस अगेन, व्हाट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट व्हेन इट्स कंसंट्रेशन इज ऑलमोस्ट जीरो मोल्स पर लीटर. इट इज नॉट एग्जैक्टली जीरो बट ऑलमोस्ट मीन्स नेग्लिजिबल. सो व्हाट कब होगी जीरो कंसंट्रेशन के आसपास? जब वन मोल जो है काफी लार्ज वॉल्यूम में डिसॉल्व किया है, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है. ये जो रिलेशनशिप है हमारे पास लैम्डा एम वर्सेस स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन, इसे बोलते हैं डिबाय हकल ऑनसैगर इक्वेशन के अकॉर्डिंग. वो इक्वेशन क्या रिलेशनशिप देती है ये कि लैम्डा एम सी, सी स्टैंड्स फॉर एनी कंसंट्रेशन, इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट माइनस ए अंडर रूट इनटू स्क्वायर रूट सी. सो ये जो इक्वेशन है हमारे पास, इसको बोलते हैं डिबाय हकल ऑनसैगर इक्वेशन. तो यहां से क्लियर है किसी भी कंसंट्रेशन पर अदर देन द इनफाइनाइट कंसंट्रेशन जो लैम्डा एम होगा वो हमेशा लैम्डा एम नॉट से कम होगा, क्योंकि आपको माइनस करना पड़ रही है वैल्यू. सो लैम्डा एम नॉट इज द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, मींस मोलर कंडक्टिविटी एट ऑलमोस्ट जीरो कंसंट्रेशन. तो जब कंसंट्रेशन बढ़ेगी, आप कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो ये वैल्यू कम होती जाएगी. जितना ज्यादा कंसंट्रेशन बढ़ेगी उतना वैल्यू कम होगी. तो यहीं से पता चलता है कि लैम्डा एम सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन. इफ कंसंट्रेशन इज इंक्रीजिंग द लैम्डा एम वैल्यू विल बी डिक्रीजिंग बिकॉज वी आर सब्ट्रैक्टिंग दिस टर्म फ्रॉम लैम्डा एम नॉट. नाउ इसके साथ ही जो आपके पास इसको कंपेयर करते हैं इक्वेशन टू द लीनियर ग्राफ लाइन जो होता है हमारे पास इक्वेशन ऑफ लीनियर ग्राफ लाइन, तो होते y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. वाई का वेरिएबल क्या है यहाँ पर हमारे पास? लैम्डा m. उसके बाद m क्या है? m हमारे पास है ये कांस्टेंट, m इज कांस्टेंट, और m जो देता है आपका ये स्लोप होता है. तो m इज इक्वल टू माइनस a, इट इज द स्लोप ऑफ ग्राफ. तो स्लोप क्या है? नेगेटिव. मीन्स ये एक्स एक्सिस के अलोंग जाएंगे तो स्लोप कम होता जाएगा. तो कंसंट्रेशन के बढ़ने से लैम्डा एम की वैल्यू कम होगी. यहां से भी क्लियर हो रहा है रिलेशनशिप ऑफ लैम्डा एम एंड कंसंट्रेशन, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. एंड एक्स, एक्स का वेरिएबल कौन सा? एक्स एक्सिस पर अंडर रूट सी, स्क्वेयर रूट ऑफ सी. तो यहां पर कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो स्क्वेयर रूट की वैल्यू भी ज्यादा होगी, कंसंट्रेशन कम होगी तो स्क्वेयर रूट की वैल्यू भी. एम एक्स प्लस सी, तो प्लस सी क्या है? इंटरसेप्ट. इंटरसेप्ट क्या है? वाई एक्सिस पे. तो वो आपके पास लैम्डा एम नॉट. तो इस तरह से हम इसको डिबाय हकल ऑनसैगर इक्वेशन को हम
एक्सप्लेन करते हैं, रिलेट करते हैं टू दी इक्वेशन ऑफ लीनियर ग्राफ. वंस अगेन वाई एक्सिस के अलॉन्ग वेरिएबल लैम्डा एम, एम आपके पास है स्लोप, स्लोप किसके आ रहा है माइनस ए जो नेगेटिव है, और स्क्वेयर रूट सी क्या है एक्स का वेरिएबल है, प्लस सी क्या है यहाँ पर आपके पास इंटरसेक्ट, तो इंटरसेक्ट की वैल्यू क्या है लैम्डा एम नॉट. तो आपको ग्राफिकली भी कंपेयर करना आना चाहिए दोनों के वेरिएशन जो है लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी की स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के लिए और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए. और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है फर्स्ट के, हाउ वी डिटरमिन दी लैम्डा एम नॉट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स बाय प्लॉटिंग ग्राफ फॉर सम वैल्यूज देन एक्स्ट्रा प्लॉटिंग द लाइन. और वाई इट इज डिफिकल्ट टू मेजर लैम्डा एम नॉट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो उसके लिए हम देते हैं दो रीजन. फर्स्ट की वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट करते हैं बहुत कम एट हायर कंसेंट्रेशन. फॉर टू मेजर देयर लैम्डा एम नॉट वी हैव टू यूज वेरी लार्ज वॉल्यूम, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट जीरो के पास जो है वो स्टीपली होता है. इट इज डिफिकल्ट टू प्लेस लार्ज वॉल्यूम इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. दूसरी, व्हेन एट द नियर कंसंट्रेशन बिकम्स वेरी लेस द ग्राफ लाइन बिकम्स ऑलमोस्ट पैरेलल टू द वाई एक्सिस, सो इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट द इंटरसेक्ट ऑन वाई एक्सिस. तो ये दो रीजन आपने देने हैं. नाउ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के साथ आपका एक और टॉपिक स्टार्ट में इसके साथ जुड़ जाता है, वो है आपका कोलरॉश्स लॉ. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. तो नेक्स्ट हमने जो करना है आफ्टर वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, नेक्स्ट इज स्टेट एंड एक्सप्लेन कोलरॉश्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस. इसे बोलते हैं कोलरॉश्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस. तो इसका हमारे पास यूजफुलनेस क्या होती है, इसको हम स्टेट कैसे करते हैं कि जो अकॉर्डिंग टू कोलरॉश्स लॉ लैम्डा एम नॉट जिसे हम बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, मींस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. इनफाइनाइट डाइल्यूशन मींस कंसंट्रेशन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो मोल्स पर लीटर. तो उस कंडीशन में जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है इट इज इक्वल टू द सम ऑफ लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटीज मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ द कैटायन एंड एनायन फॉर्म्ड या प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द आयनाइजेशन ऑफ वन फार्मूला यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट. मैं फिर से यहां से एक्सप्लेन करता हूं कि अगर हमें फाइंड आउट करनी है लैम्डा एम नॉट ऑफ NaCl तो कोलरॉश्स लॉ कहता है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू द सम ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय आयनाइजेशन ऑफ वन फार्मूला यूनिट, वन फार्मूला यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट. तो फार्मूला यूनिट क्या होता है, सिंपली आप मॉलिकुलर फार्मूला कह सकते हैं. तो अगर सोडियम आयन है वो डिसोसिएट करता है उसकी टोटल लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसके इक्वल होगी, इससे जो दो आयन बन रहे हैं उनकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के सम के इक्वल. तो मैं फिर से डिफाइन कर रहा हूँ कोलरॉश्स लॉ. अकॉर्डिंग टू कोलरॉश्स लॉ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू द सम ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वन फार्मूला यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट. नाउ ऐसा क्यों है, बिकॉज इसका जो दूसरा नाम मैंने बताया कोलरॉश्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन, तो मैंने पहले बताया कि एक तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या है कि कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट जीरो मोल पर लीटर है. उस कंडीशन में क्या होता है सारे कैटायन एंड आयन के बीच स्पेस बहुत ज्यादा होता है, तो इनके बीच की इंट्रेक्शन होती है वो बहुत जीरो है, ऑलमोस्ट जीरो. तो सभी आयन इंडिपेंडेंटली मूव कर रहे हैं, तो इसमें जितने आयन बने हैं उन आयन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को ऐड कर दो तो पूरे इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बन जाएगी.
तो ये सिंपल सा मीनिंग है इसका। अकॉर्डिंग टू कोहलरॉश्स लॉ, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू सम ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द आयंस प्रोड्यूस फ्रॉम वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। तो हम लैम्डा एम नॉट की वैल्यू मेजर की होती है, लैम्डा सी एल की लैम्डा नॉट मेजर की है, दोनों को ऐड कर देंगे, वो किसका दे देगा वैल्यू, लैम्डा एम नॉट ऑफ एन ए सी एल। अगर हमें ऐसे ही लैम्डा एम नॉट ऑफ से कैल्शियम क्लोराइड फाइंड आउट करना हो तो वो किसके इक्वल हो जाएगा फिर, लैम्डा एम नॉट ऑफ कैल्शियम पॉजिटिव आयन प्लस टू टाइम्स ऑफ लैम्डा एम नॉट ऑफ सी एल नेगेटिव। क्योंकि यह टू टाइम्स यहाँ के, क्योंकि दो क्लोराइड आयन बनते हैं एक फॉर्मूला यूनिट से, टोटल तीन आयन बनते हैं, तो एक मोल डालेंगे तो तीन मोल आयन होंगे, तो लैम्डा एम नॉट कैल्शियम का उसमें ऐड करेंगे टू टाइम्स ऑफ लैम्डा एम नॉट ऑफ सी एल नेगेटिव। सिमिलरली अगर आपके पास एन ए टू एस ओ फोर हो तो डिसोसिएट करके क्या बनाएगा, ये दो सोडियम आयन और एक सल्फेट आयन, तो उस केस में लैम्डा अकॉर्डिंग टू कोहलरॉश्स लॉ लैम्डा एम नॉट ऑफ सोडियम सल्फेट विल बी इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ लैम्डा एम नॉट ऑफ सोडियम आयन प्लस लैम्डा एम नॉट ऑफ सल्फेट आयन। तो ये था कोहलरॉश्स लॉ, हम इसको अगर अप्लाई करें नाउ लैम्डा एम नॉट ऑफ CH3COOH दैट इज एसिटिक एसिड, तो ये क्या बनेगा अकॉर्डिंग टू कोहलरॉश्स लॉ लैम्डा एम नॉट ऑफ एसिटेट आयन एड टू दैट लैम्डा एम नॉट ऑफ एच पॉजिटिव आयन, देन इट विल बी इक्वल टू, यही इसका मेन सिग्निफिकेंस था कोहलरॉश्स लॉ का। तो यहाँ पर इक्वेशन अगर ध्यान से देखें, ये स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट हैं, इनकी वैल्यू को हम मेजर कर सकते थे एक्सपेरिमेंटली, ग्राफ प्लॉट करके, एक्स्ट्रा प्लॉट करके, जैसे पहले बताया। बट एसिटिक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो हम इसके लिए डिफिकल्ट होता लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मेजर करना, दो रीजन मैंने पहले बता दिए, वॉल्यूम ज्यादा चाहिए और ग्राफ लाइन पैरेलल हो जाती है वाई एक्सिस की जो उसको मीट नहीं करती, तो हमें लैम्डा एम नॉट एक्सपेरिमेंटली मेजर नहीं कर सकते। फिर हम क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं कि हम अलग से लैम्डा एम नॉट ऑफ एसिटेट आयन पता कर लो, लैम्डा एम नॉट ऑफ एच पॉजिटिव पता कर लो, दोनों को ऐड कर दो, दैट विल बी इक्वल टू दी लैम्डा एम नॉट ऑफ एसिटिक आयन। क्यों, क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन में आयन्स इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं, हर एक की अपनी अपनी वैल्यू होती है, तो एक इलेक्ट्रोलाइट के जो आयन्स की लैम्डा एम नॉट का सम होगा वही उस इलेक्ट्रोलाइट के लैम्डा एम नॉट होगी। सो मेन सिग्निफिकेंस ऑफ द कोहलरॉश्स लॉ इज इट हेल्प्स अस टू कैलकुलेट दी लैम्डा एम नॉट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, स्पेशली लैम्डा एम नॉट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स विच इज वेरी डिफिकल्ट टू मेजर अदरवाइज एक्सपेरिमेंटली। तो हमने अगर टॉपिक नेक्स्ट करना है डेफिनेशन ऑफ कोहलरॉश्स लॉ के बाद एप्लीकेशंस ऑफ कोहलरॉश्स लॉ, तो टोटल चार एप्लीकेशंस हमने करनी है। फर्स्ट होगी कैलकुलेशन ऑफ लैम्डा एम नॉट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसका न्यूमेरिकल आ भी जाते हैं कई बार, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट, लैम्डा एम नॉट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट जिसको हम एक्सपेरिमेंटली मेजर नहीं कर सकते, वो कोहलरॉश्स लॉ को यूज करके हमने कैसे फाइंड आउट करना है। दूसरा है कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट स्पेशली हम यूज कर सकते हैं। थर्ड है आपके पास कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कह लीजिए केसी जिसको हम बोलते हैं, दैट कैन ऑल्सो भी, या उसे हम डिसोसिएशन कांस्टेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ डिसोसिएशन कह लो या आयोनाइजेशन के बीच कांस्टेंट जो इक्विलिब्रियम आता है, वहां पर हम जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं कैलकुलेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड डिसोसिएशन कांस्टेंट केसी। एंड फोर्थ हमने यहाँ पे करना है कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ, किसकी निकालेंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स, सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट क्या होते हैं, जो बिल्कुल ही नेग्लिजिबली
सॉल्युबल होते हैं, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, जैसे लेड क्लोराइड है वो ठंडे पानी में बहुत ही कम डिजोल्व करता है। कैल्शियम कार्बोनेट चाक पाउडर हम बोलते हैं इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल क्योंकि ऑलमोस्ट वो 0.1-0.2% डिसॉल्व करता है, तो उनकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है, वो भी हम मेजर कर सकते हैं। तो चार एप्लीकेशन याद रखनी है हमने किसकी, कोलरॉस लॉ की, कैलकुलेशन ऑफ लैम्डा एम नॉट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जो सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जिसे हम अल्फा कहते हैं, होता क्या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स एडेड। उसके बाद हमने करना है फाइंड आउट कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट, आयनाइजेशन कांस्टेंट भी कह सकते हैं, एंड फोर्थ इज कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स। So first one is the your calculation of lambda m naught, limiting molar conductivity of weak electrolytes. तो इसको करने से पहले आपको equations बनाने आने चाहिए, in total हमें चार equations चाहिए इसके लिए जो हम Kohl-Rausch's law के according equation लिखेंगे। मैं example ले रहा हूँ आपके पास acetic acid का, acetic acid एक weak electrolyte है, इसकी हमें फाइंड आउट करनी है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करना क्या होगा, इट विल बी डिफिकल्ट, दो रीजन पहले ही बता दिए मैंने आपको। तो फर्स्ट इक्वेशन हम इसके लिए लिख लेंगे, अकॉर्डिंग टू कोहल-रॉस लॉ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड विल बी इक्वल टू सम ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसीटेट आयन एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो एक इक्वेशन सभी में यही आएगी कि जो भी वीक इलेक्ट्रोलाइट दिया है आपके पास उसके लिए हमने कोहल-रॉस लॉ के अकॉर्डिंग इक्वेशन लिख लेनी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, लैम्डा एम नॉट ऑफ, अब हमने एक सॉल्ट सिलेक्ट करने हैं, तीन सॉल्ट करने हैं सिलेक्ट। फर्स्ट यहाँ पर एसीटेट आयन है तो उसका स्ट्रॉन्ग सॉल्ट लेंगे क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए केस में हम मेजर कर सकते हैं लैम्डा नॉट। दूसरा हम जो सेकंड आयन है उसके लिए लेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो एसिटिक एसिड का सोडियम सॉल्ट ले लो, सोडियम एसीटेट, ये सिलेक्ट करना बड़ा इजी होता है। तो मैंने कहा तीन सॉल्ट आपने सिलेक्ट करने हैं, पहला सॉल्ट कौन सा हो जाएगा आपका, जो एक आयन है जैसे यहाँ एसीटेट आयन है तो सोडियम सॉल्ट ले लिया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो सोडियम जो आपके पास एसीटेट है इसके लिए अकॉर्डिंग टू कोहल-रॉस लॉ लैम्डा एम नॉट ऑफ सोडियम एसीटेट विल बी इक्वल टू लैम्डा एम नॉट ऑफ एसीटेट आयन प्लस लैम्डा एम नॉट ऑफ सोडियम आयन, ये इक्वेशन नंबर टू होगी। दूसरा आयन हाइड्रोजन आयन था तो इसका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेना, हाइड्रोजन का आप
हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले सकते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया मैं, इसके अकॉर्डिंग कोल रॉशेस लॉ के अकॉर्डिंग लैम्डा एम नॉट ऑफ एच सी एल विल बी इक्वल टू लैम्डा एम नॉट ऑफ एच पॉजिटिव प्लस लैम्डा एम नॉट ऑफ सी एल नेगेटिव। अब हमारे पास इन दो साल्ट से चार आयन बने, एक एसिटेट आयन, सोडियम आयन, हाइड्रोजन आयन, क्लोराइड आयन। अब हमें वैल्यू चाहिए इन दो की, क्योंकि इनको हम ऐड कर दें तो बन जाएगी एसिटिक एसिड की लैम्डा एम नॉट। ये दो हमें निकालने हैं, तो हमें थर्ड जो साल्ट सिलेक्ट करना है अपनी तरफ से, वो होगा जो इन दोनों साल्ट में, इन दोनों आयन्स में है। तो ये बन गया लैम्डा एम नॉट ऑफ NaCl। तो थर्ड साल्ट पहला सिलेक्ट किया, फर्स्ट आयन का स्ट्रांग साल्ट, सेकंड किया सेकंड आयन का स्ट्रांग साल्ट, थर्ड साल्ट हमने वो लेना है जो एक्स्ट्रा आयन है उनको निकाल सके। तो लैम्डा एम नॉट ऑफ NaCl विल बी इक्वल टू लैम्डा एम नॉट ऑफ Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा एम नॉट ऑफ Cl नेगेटिव। ये आपके पास इक्वेशन नंबर आ जाएगी 4। अब हम क्या करेंगे, दो को ऐड कर दो, हमने इन दोनों को ऐड कर देना क्योंकि ये आयन ऐड करने हैं, उसमें से थर्ड फोर्थ वाले को माइनस कर दो ताकि ये दोनों कैंसिल हो जाएं। तो हम क्या लिखेंगे, ऐड ऑन एडिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, ऐड इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, सबट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 4। अब हमने इसको करना है, यहाँ पर सेकंड इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं हम कि लैम्डा एम नॉट ऑफ CH3COONa प्लस लैम्डा एम नॉट जो थर्ड इक्वेशन है HCl प्लस लैम्डा एम नॉट ऑफ NaCl इज इक्वल टू। तो इन सभी तीन साल्ट के जो छह आयन बने उनको हमने यहाँ पर लिखना है, सॉरी यहाँ पर माइनस है, जो हमने माइनस फोर्थ इक्वेशन की है माइनस लैम्डा एम नॉट NaCl। अब हमने इनके आयन्स को ऐसे लिखना है, सेकंड इक्वेशन से लैम्डा एम नॉट CH3CO नेगेटिव प्लस लैम्डा एम नॉट Na पॉजिटिव प्लस थर्ड इक्वेशन ऐड करनी है लैम्डा एम नॉट एच पॉजिटिव प्लस लैम्डा एम नॉट Cl नेगेटिव, फोर्थ इक्वेशन वाले माइनस करने हैं लैम्डा एम नॉट, माइनस कर दिया Na पॉजिटिव माइनस लैम्डा एम नॉट Cl नेगेटिव। तो अब आपके पास बच क्या जाएगा, हमारे पास ये लैम्डा एम नॉट Na पॉजिटिव की वैल्यू माइनस लैम्डा एम नॉट Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा एम नॉट Cl नेगेटिव माइनस लैम्डा एम नॉट Cl नेगेटिव, बच क्या गया, जो वैल्यू आएगी आपके पास दैट विल बी ऑफ लैम्डा एम नॉट CH3 एसिटेट आयन प्लस लैम्डा एम नॉट एच पॉजिटिव आयन। एंड कंपेयरिंग इट विद द फर्स्ट इक्वेशन हम क्या लिख सकते हैं, इट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ लैम्डा एम नॉट CH3COOH। तो हमें ये सभी की वैल्यूज मिल जाती हैं, बुक में दी होती हैं, वहां से आपको वैल्यू क्वेश्चन में प्रोवाइड की होती हैं, इन वैल्यूज को पुट करना है आपने और जो आपके पास आंसर है वो आप लिख सकते हैं। जैसे आपके पास ये चार्ट दिया हुआ है, लैम्डा एम नॉट वैल्यूज यहाँ पर कैटायंस की दे दी हैं, यहाँ एनायन की दे दी हैं। तो हमने क्लोराइड आयन की मिल जाएगी, एसीटेट आयन की मिल जाएगी वैल्यू, ऐसे यहाँ पे सोडियम मेटल की मिल जाएगी आपके पास वैल्यू, तो जो भी आपको हाइड्रोजन आयन की मिल जाएगी, इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे तो आपके पास लैम्डा एम नॉट ऑफ CH3COOH आ जाएगा। तो एक और देख लेते हैं ऐसा एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल वी हैव वीक इलेक्ट्रोलाइट अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट मैंने बताया था टू सिलेक्ट द इक्वेशन और साल्ट्स। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, लैम्डा एम नॉट ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट ऑफ अमोनियम आयन प्लस लैम्डा एम नॉट ऑफ OH नेगेटिव आयन। इक्वेशन वन बन गई। दूसरा साल्ट लेना हमने फर्स्ट आयन का स्ट्रॉन्ग, तो अमोनियम क्लोराइड ले लेंगे, लैम्डा एम नॉट ऑफ
अमोनियम क्लोराइड इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट ऑफ अमोनियम आयन प्लस लैम्डा एम नॉट ऑफ सी एल नेगेटिव। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी, कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर ओके आ जाएगा थर्ड जो है वो सेकंड सॉल्ट का लेना है, सेकंड आयन का लेना है हमने स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, तो OH है, OH का स्ट्रॉन्ग सॉल्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया इलेक्ट्रोलाइट, तो इसकी वैल्यू बन जाएगी लैम्डा एम नॉट एन ए पॉजिटिव प्लस लैम्डा एम नॉट OH नेगेटिव। ये थर्ड इक्वेशन। फोर्थ इक्वेशन जो लेनी है, सॉल्ट लेना है जो एक्स्ट्रा आयन को निकाले, तो हमें अमोनियम आयन चाहिए, हाइड्रोक्साइड आयन चाहिए, एक्स्ट्रा कौन है सी एल नेगेटिव और एन ए, तो हम फोर्थ ले लेंगे लैम्डा एम नॉट ऑफ एन ए सी एल इज इक्वल टू लैम्डा एन ए पॉजिटिव प्लस लैम्डा सी एल नेगेटिव। ये फोर्थ इक्वेशन बन गई। सो आपके पास अब क्या करना है, इक्वेशन टू प्लस इक्वेशन थ्री उसमें से माइनस इक्वेशन नंबर फोर, तो अपने आप क्या उसके ये कैंसिल हो जाएंगे एन ए और सी एल, बच जाएगा अमोनियम की लैम्डा एम नॉट प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, जो फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग किसकी वैल्यू होगी लैम्डा एम नॉट ऑफ OH नेगेटिव आयन। सो इसके ऊपर बेस्ड आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, दे आर वेरी इजी, दे नीड ओनली लिटिल बिट प्रैक्टिस टू बी डन। सो वन एग्जाम्पल इज हियर सॉल्व इन एनसीईआरटी बुक वेयर वी कैन सी द क्वेश्चन एंड न्यूमेरिकल, दे हैव सॉल्व फॉर एस्टेट आयन, एस्टिक एसिड, NaCl, HCl, सोडियम एस्टेट तीन सॉल्ट, इक्वेशन बना देनी है एडिंग टू एंड थ्री, सब ट्रैकिंग इक्वेशन नंबर यहाँ इन्होंने वन लिया था, फिर उनकी वैल्यूज जो क्वेश्चन में दी हैं वो पुट कर देनी है, आपका लैम्डा एम नॉट ऑफ एस्टिक एसिड आ जाएगा। थैंक यू।